हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर एंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा बांग्लादेश वर्सेस थाईलैंड का वुमेंस का जो मैच है, जिसे 14 घंटों के बाद दोस्तों उसका प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। जैसे कि बांग्लादेश ने इंडिया को हरा के काफ़ी सारा चेंजेस ला दिया है अब तक के मैच में दोस्तों, तो वहीं पर अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टीम हारेगी वो फाइनल से बाहर हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से अब थाईलैंड को हराना काफ़ी इजी होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीमों को उन्होंने हरा दिया मैच। तो आप यहाँ पर दोस्तों रेशू बना सकते हो, 7 प्लेयर ले सकते हो बांग्लादेश के, 4 प्लेयर थाईलैंड के। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से प्लेयर सेफ ऑप्शन होंगे। जैसे आप ओपन करते हो दोस्तों, तो आपको कीपर में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, नाना पत और समीना सुल्तान। तो डेफिनेटली मैं समीना सुल्तान को रखना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे 4 प्लेयर लेना पड़ेगा थाईलैंड का, तो उस बेस पे मैं नाना पत को टीम में रख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि 4 प्लेयर इज मैक्सिमम आपको लेना पड़ेगा एक टीम से। तो वहीं पर बैटिंग लाइन में फरजाना हक, नूरुल चौवई, निगर सुल्ताना, नतकम छक्तम, आयशा रहमान, तो ये 5 प्लेयर को आप टीम में रख सकते हो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप इनमें से 3 बैट्समैन से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि जो रेशू होगा दोस्तों 1-3-3-4 का होगा। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 5 बैट्समैन में से आप 3 को रख सकते हो। अगर चाहिए तो आपको दोस्तों यहाँ से आप श्रीनिता को रख सकते हो अपनी टीम में, एक और प्लेयर को बैटिंग लाइनअप में मलेशिया की सॉरी थाईलैंड की तरफ से। वहीं पर ऑलराउंडर में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, रोमन अहमदे, सरीना टिपोची या नत्थन बोचतम। तो इन तीनों को भी आप टीम में रख सकते हो दोस्तों। अहमदे को ज़बरदस्त फॉर्म में थी, रुमन अहमदे ने आज 42 रनों की पारी खेली और 3 विकेट लिया है, तो इंडिया को हराने में काफ़ी सारा हेल्प किया है आज बांग्लादेश को दोस्तों। तो आप इनको रख सकते हो, बोचतम और टिपोचे को रख सकते हो। टिपोचे टीम के कैप्टन है तो डेफिनेटली खेलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और ऑलराउंडर है फहीमा खातून, उनको भी आप टीम में रख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सेफ ऑप्शन है फहीमा खातून। अब बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर को और ले सकते हो बॉलिंग लाइनअप से, वंगप्पा का, नाहिदा अख्तर को, खदीजतुल कुबरा, रत्ना पूरन, सलमा खातून टीम की कैप्टन है, तो इन 5 में से किन्हीं आप 4 या 5 गेंदबाज को खिला सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप 4 या 5 गेंदबाज लेके उतरे टीम में, जिससे आपको विन करने में ईजी हो दोस्तों। और गेंदबाज में एक चनीदा को रख सकते हो, जनवरा आलम को भी रख सकते हो, सुलीप पोरन लोमी को रख सकते हो दोस्तों। ये 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं आपको टीम में, जिनको आप टीम में खिला सकते हो। डेफिनेटली सारे प्लेयर खेलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों इन प्लेयर को रख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, जिससे आपकी टीम को बैलेंसिंग हो जाए और काफ़ी अच्छी तो दोस्तों आप देख सकते हो। इनमें से मेरे फर्स्ट चॉइस होंगे जो रुमन अहमदे, देन टिपोची, फरजाना हक, अख्तर, फहीमा खातून, लिविंगर, जनवरा आलम, तुलकुबरा और निगारा सुल्तान। इन सारे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख के दोस्तों खेल सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको जो रेशू बनाना है वो 7:4 का होगा, या मैक्सिमम 6:5 का रख सकते हो। और आप एक काम कर सकते हो, ओपन ऊपर के बांग्लादेश के सारे बैट्समैन को टीम में खिला सकते हो, 3 बैट्समैन को ले लो, दो एक सिंगल बैट्समैन आप ले सकते हो मलेशिया का सॉरी थाईलैंड का, और वहीं पे 2 ऑलराउंडर थाईलैंड के आप ले लेते हो, 3 और 1 गेंदबाज ले लेते हो, 4 प्लेयर हो जाते हैं यहाँ पर। और बाकी बांग्लादेश की टीम को ले सकते हो, या 2 गेंदबाज लेके आप 5 कर सकते हो दोस्तों थाईलैंड के प्लेयर्स को, तो जिससे आपको स्मॉल लीग जीतने में काफ़ी ईजी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे सेफ प्लेयर कौन होंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, सेम टीम क्रिएट नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। सेफ प्लेयर कौन होंगे, समीमा सुल्ताना, फरजाना हक, चंतम, निगर सुल्ताना, चवई, रूमन अहमदे, टिपुचा, फहीमा खातून, तुलकुबरा, लिवेंगट, नाहिद अख्तर, 11-11 डेफिनेटली खेलेंगे। अगर इन 11 के सिवा आपको कोई और प्लेयर चाहिए टीम में, तो आप इनको ला सकते हो दोस्तों, बुच्चतम को ला सकते हो, और यहाँ पर कीपर में नाना पत को ला सकते हो, नाहिद अख्तर, जनवरा आलम, सलमा खातून, पोनगेरे,
तो ये आपके प्लेयर और हो सकते हैं दोस्तों, ये टोटल 17 प्लेयर हो गए आपके, सॉरी 17 प्लेयर हो गए, 17 में से आपको 11 सेलेक्ट करना है दोस्तों मैच जीतने के लिए। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।